ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। बीजेपी तो आत्ममंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये चलेंगे या बदलेंगे, ये तो आप बीजेपी इसका जवाब ही नहीं दे पा रही। हम भी बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि बीजेपी पहले ये बताए कि वे बीजेपी में यही मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजेपी के किसी आदमी ने नहीं कहा आपके सामने। ये तो बीजेपी का नारा था कि काला धन लाएंगे और सबके बाटे 15 लाख आएंगे। अब वो नारा बदल गया, अब ये है कि जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, राजस्थान में राज्यसभा में वोट गिरवाएंगे और उपचुनाव लड़वाएंगे और रातों रात उस काले धन को सफ़ेद धन करवाएंगे और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। देश में एक आपसी भाईचारे का माहौल, विकास का माहौल, देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट हो गई कि अमीर और गरीब में इतना अंतर बढ़ गया, सबसे अमीर भी हिंदुस्तान, सबसे गरीब भी हिंदुस्तान में, ये अंतर बढ़ गए हैं देश में। इस अंतर को जोड़ने की ज़रूरत है, आर्थिक विकास से गरीब को जोड़ने की ज़रूरत है, रोज़गार से बेरोजगार को जोड़ने की ज़रूरत है और धर्म, जाति, भाषा के सभी लोगों को आपस में जोड़कर देश विकास की तरफ आगे बढ़े, ये उनका उद्देश्य है। इसको लेके वो आ रहे हैं, ऐसी तपस्या, ऐसी तब जो राहुल जी कर रहे हैं वो एक अपने आप में ऐतिहासिक है और हम हरियाणा के अंदर उनका बहुत स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हरियाणा में एक अभूतपूर्व स्वागत हुआ कि हरियाणा की जनता तो इस सरकार से बहुत ही दुखी है, प्रदेश सरकार से भी दुखी है, बीजेपी और जेजेपी की खट्टर सरकार विफल हो चुकी है आप जानते हैं। आज उसकी तैयारी के लिए बैठक थी और आज कार्यकर्ता बैठक, आपने भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि जो 2014 के बाद, मई जी 2014 के बाद सरकार के बाद इस प्रकार की शायद इतना जोश, कितने घंटे लेट आप अंदाज़ा लगाओ, हाँ जी हाँ सर, तो ये एक बदलाव का सूचक है, एक बदलाव का प्रतीक है। तो हम अपने आज जो कार्यकर्ता मीटिंग है इसकी सफलता से हम बहुत उत्साहित हैं। रेवाड़ी के अंदर ये बहुत का शुभ संकेत है। हरियाणा में रूट है, पहले चरण में मेवात फिरोजपुर जिरका से नू होते हुए सोना जाएंगे गुड़गांव जिला, मेवात के बाद गुड़गांव जिला, सोना के अंदर और सोना से फरीदाबाद होते हुए बदरपुर बॉर्डर चले जाएंगे। 21, 22, 23 तीन दिन हरियाणा में चलेंगे, 24 को सुबह थोड़ा सा हरियाणा कवर करते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री हो जाएगी और राजघाट राहुल जी जाएंगे, फिर राजघाट दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए दूसरे चरण में पानीपत में राहुल गांधी जी 6 जनवरी की शाम को पानीपत की बाउंड्री पर आएंगे और 7 को हमारी बड़ी सभा रहेगी पूरे हरियाणा के हर प्रदेश में। इनका फॉर्मेट जो है हमारी भारत जोड़ो यात्रा का, हर प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय सभा रहती है जो हरियाणा में पानीपत में की जाएगी आयोजित। उसके बाद उस सभा के बाद वो पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला के रास्ते और पंजाब में एंटर कर जाएंगे, 7 दिन आगे हरियाणा में और रहेंगे, तो 7 + 3 लगभग 10 दिन, जिसमें एक दिन उनकी हॉलीडे रहेगी। हॉलीडे मतलब हफ्ते में 6 दिन चलने के बाद वो एक दिन विश्राम करते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर हर रोज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई आसान काम नहीं है, तो ये रूटीन रहेगा। सर कांग्रेस को ये यात्रा कितनी जोड़ पाई है, भारत जोड़ की बात करते हैं तो कांग्रेस को कितना जोड़ पाई? देखिए आज के दिन ये एक ऐसी यात्रा है, भारतीय बीजेपी वालों को इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं मिल रहा कहने को, कोई नकारात्मक बात ना कह पा रहे ना इस यात्रा के बारे में और ना जो हम संकल्प हर प्रदेश में इस यात्रा को लेके, इसकी भावना को लेके प्रदेश की कांग्रेस अपने अपने संकल्प ले रही है, हमारे भी संकल्प हमने कुछ लिए हैं। अब बीजेपी वाले ये तो कुछ कह नहीं सकते कि आपस में लोग धर्म, जाति, भाषा के लोग ना जुड़ें, ना वो ये कह सकते हैं कि भाई हम देश में सबसे ज़्यादा पेंशन देना चाहते हैं हरियाणा में, या कोई जो है 100 गज के प्लॉट भी लोगों गरीबों को ना मिले, वो टीवी कवरेज रोक सकते हैं। हाँ टीवी कवरेज और वो इस तरह की बात, उनको और कुछ नहीं मिलती तो कहते हैं। हरियाणा में सर क्या संकल्प लिए गए, जैसा कि आप बता रहे कि हरियाणा में कुछ संकल्प लिए जाएंगे, तो क्या संकल्प? हरियाणा में तो देखो हमने कांग्रेस पार्टी ने कई बातें जो अपने विकास कार्य हैं उन्हीं को कांग्रेस पार्टी आधार मानते हुए, गरीबों के 100-100 गज के प्लॉट हैं, मकान इंदिरा आवास योजना बंद हो गई है, इस बार उसको और बड़े स्तर पे दो मकान की योजना लागू करने का हमारा संकल्प है। गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, राहुल गांधी जी की यात्रा में जो
तीन चार संकल्प AICC की तरफ से हमारे पास आए, वो गरीब को आर्थिक विकास से जो वो महत्वपूर्ण हमारी विचारधारा का हिस्सा है। बेरोजगार को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख पद हमारे खाली पड़े हैं। एम्प्लाई को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में करके दिखाया है। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, फ्री बिजली 300 यूनिट, ये हमने हिमाचल सरकार में सरकार बनते ही हमने करके दिखाया है। बड़े बुजुर्गों को 6,000 देश में सर्वाधिक पेंशन से जोड़ो, जो हमारा पुराना कांग्रेस पार्टी का की बात रही है, और एम्प्लाईज को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, ये भी हमारा एक संकल्प है। और नफरत को प्यार से जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं। तो ना तो BJP इन संकल्पों के बारे में कुछ कह पा रही है, ना वो कोई अपनी जो प्रदेश की उनकी सरकार विफल हो गई है। आज ये स्थिति है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव में BJP के सिंबल पर खड़े होने वाले सारे उम्मीदवार लगभग हार गए। आदमपुर के अंदर सारी BJP ने जोर लगाया, चौटाला परिवार सारा एक तरफ था, भजनलाल परिवार सारा एक तरफ था, उसके बावजूद मात्र कुछ चंद हज़ार वोटों से जीते। कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे 42% वोट आए, जो एक बहुत बड़ा हम अपने आप उपलब्धि मानते हैं। हर वर्ग की हमें वोट मिली, हर उदाहरण के तौर पे SC बूथ पे हम जीते सरकार होने के बावजूद। तो ये खतरे की घंटी BJP के लिए है। BJP तो आत्ममंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये चलेंगे या बदलेंगे, ये तो आप BJP इसका जवाब ही नहीं दे पा रही। हम भी BJP से सवाल पूछते हैं कि BJP पहले ये बताए कि वे BJP में यही मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, BJP के किसी ने आदमी ने नहीं कहा आपके सामने। ताकि कांग्रेस को जोड़ने की बात है, सब मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ OBC विभाग का, राहुल गांधी जी ने तेलंगाना में एक बात जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि कास्ट सेंसस हमारे एजेंडे पे, ये बात भी रह गई थी इसमें, जो महत्वपूर्ण जो बात है कास्ट सेंसस को जब सरकार बनेगी कास्ट सेंसस भी कराएंगे, जो 2011 की थी कास्ट सेंसस उसको जा कराएंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो नफरत की दीवार थी, तो ये यात्रा उस नफरत की दीवार को तोड़ रही है। आज बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, सब मिलजुल कर उनके साथ चल रहे, हजारों की तादाद में। मैं तो 6 स्टेटों में गया हूँ, और देखो उनकी जो लड़ाई है वो आम आदमी की लड़ाई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाने की बात है, GST की बात वो करते हैं, तो वो अग्निपथ जो योजना है उसके बारे में विशेष रूप से उन्होंने बात करी। और मैं जो हिमाचल के अंदर अग्निपथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो ओल्ड एज पेंशन थी वो बड़ा एक जो पेंशन पुरानी पेंशन को लागू करना, तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसमें भाईचारा कायम करने की बात है, विकास करने की बात है। और मैं समझता हूँ इस यात्रा से, मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी का कोई विकल्प इस देश में है तो राहुल गांधी जी। और अग्निपथ से हमारा भी इलाका, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित इलाका है तो ये इलाका है। 5,000 रुपये वो होती थी पक्की भर्ती फौज में, अब ये जो ऑल इंडिया का आया है इसमें मात्र 900 सी वो आई हैं वैकेंसी अग्निवीरों की, और 900 में भी जो है 4 साल के बाद मात्र 225 पक्के रहेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि। और वो 5,000 में से सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा अगर सबसे ज़्यादा किसी ज़िले के होते थे तो वो जो है शायद रेवाड़ी ज़िले के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विसमैन भी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है। गुजरात चुनाव जो गुजरात में BJP ने पहले से बढ़ के जीत ली, तो हरियाणा में आप किस हिसाब से मानते हैं कि क्योंकि गुजरात चुनाव के साथ 9 प्रदेशों में चुनाव है, गुजरात को छोड़ के 8 प्रदेशों में, उन 8 प्रदेशों में BJP हारी। दिल्ली में MCD हारी तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस से हारी, राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस जीती तो छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भी कांग्रेस जीती, उत्तर प्रदेश में सपा और RLD गठबंधन जीता तो उड़ीसा के अंदर BJD जीती। अभी 9 स्टेटों में एक साथ चुनाव हुए, 9 प्रदेशों में से 8 प्रदेशों में लोगों ने BJP को हराने का काम किया, जिसमें जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस जीती, जहां कांग्रेस नहीं थी या कमज़ोर थी जैसे दिल्ली की MCD या उत्तर प्रदेश, वहां रीजनल पार्टीज को जिताने का काम किया। इसीलिए गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी वहां से आते हैं, उनका प्रधानमंत्री जी का कुछ अपना प्रभाव क्षेत्र गुजरात है, कई कारण रहे वो हो सकता है, लेकिन हम उन 8 प्रदेशों की तरफ देखते हैं ये कह रहे हैं। और उसके बाद हरियाणा के अंदर जिला परिषद में
बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशियों को और अब सबसे मजबूत जिलों में टिकटें दी, जैसे उन्होंने गुड़गांव में दी, अम्बाला में दी, पंचकुला में दी, कुरुक्षेत्र में दी, यमुनानगर में दी, तो इन टिकटों बीजेपी ने अपनी टिकट देने का काम किया, मात्र 5% वोट। और उसके बाद ये मंथन चल रहा है हरियाणा में भाजपा में कि भाई मुख्यमंत्री यही रहेंगे, बदलेंगे, बीजेपी हम नहीं कर रही है, आत्ममंथन बीजेपी वाले कर रहे हैं। जो चुनाव के नतीजे हरियाणा के, और ऐसे ही आदमपुर का नतीजा है, तीन नतीजे, आदमपुर वाला, जिला परिषद वाला, और जो अभी ये 8 प्रदेशों के चुनाव आए, 9 प्रदेश जिसमें उनके नतीजों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत जो है मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और राहुल जी की यात्रा के बाद उसमें और ज़्यादा हमें जो है जन समर्थन मिलेगा। जो सबसे शीर्ष जो आपका है, आज किसके सदस्य हैं प्रदेश कार्य करने के, उनका मुंह है ये बात कहने का, उनको तो उनने तो जो अपने पिता थे बजनला जी की बात नहीं मानी कांग्रेस छोटी, मेन तो अपने पुत्रों मुंह में अपने बेटे और जो ईडी और सीबीआई जो छापे जो उनपे लगे थे उसे बचाने के लिए वहां गए, वो उनकी बात पे आज कोई विश्वास नहीं करता, और जो वो बात कहते हैं उनके साथ कौन है आज बताइए, कौन उनके साथ छोड़ के गया, एक एग्जाम्पल बता दीजिए, कोई नहीं गया उनके साथ, तो आज उनकी विश्वास नहीं है। और इससे सामान का अंदाजा लगा लो, हमारे तो चंडीगढ़ के दफ्तर में भी चौधरी भजन लाल जी की आज भी तस्वीर है, हमारे AICC के अंदर भी सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जहाँ पर है वहाँ पर चौधरी भजन लाल जी का नाम आज भी अंकित है, हमारे हर हिसार के कांग्रेस कार्यालय में भी, ये तो अभी भाजपा के हिसार के कार्यालय में नहीं, चंडीगढ़ दिल्ली तक तो कहाँ पहुँचेंगे, बीजेपी के कार्यालय तक या चंडीगढ़ तक कहाँ पहुँचेंगे, तो ये तो चौधरी भजन लाल जी का जो सम्मान था हमारे उनके परिवार का कांग्रेस पार्टी में, तो ये तो खैर ये कप्तान साहब ने कहा, ये तो बीजेपी का नारा था कि काला धन लाएंगे और सबके बांटे 15 लाख आएंगे, अब वो नारा बदल गया, अब ये है कि जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको बीजेपी में लाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, राजस्थान में राज्यसभा में वोट गिरवाएंगे और उपचुनाव लड़वाएंगे और रातों रात उस काले धन को सफ़ेद धन करवाएंगे और देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे।